2 3 तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपको पता है कि आज ईद है और ईद की नमाज सबसे पहले रेडी हो चुके हैं और 7:30 बजे तकरीबन जमात होनी है ईद की। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही आपको दिखाया मैंने। तो अब जो है वो चलते हैं, 7:15 तकरीबन होने वाले हैं, इससे पहले कि अबू से ज़रा डांट डूंट पड़ जाए जल्दी से निकलते हैं। सारी रात नहीं सोए यार, ईद की एक्साइटमेंट कह लें, पता नहीं क्या था, सारी रात नींद ही नहीं आई और अब बस दिमाग घूम रहा है कि यार बस किसी तरह नमाज पढ़ें और बस सो जाएं। अब देखते हैं नसीब में होता है कि नहीं नमाज पढ़ के सोना, अल्लाह खैर करे। चलो अब चलते हैं फिर, जाएं नमाज पकड़ लें सारे। Few moments later. ईद की नमाज हैरियत से पढ़ ली है, आप सबको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक कहते हैं, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक। तो ईद की नमाज से हम फारिग हो गए हैं और अब जो है यहाँ पे शूट हो रहा है थोड़ा सा। भाई जान का, और अब घर जाके नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है वो आपको बताते हैं क्या करना है। ईदी वगैरह पहले इकट्ठी करते हैं। 20 minutes late. तो ये जो है ना, ये भाई टिकटॉकर है, अपनी आईडी बताएं। मेरी आईडी नाम नहीं है। चलो अब हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, पीछे आप देख रहे हैं दोस्त आ चुके हैं और अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर भाई, बहुत ज्यादा। और कुछ तो यार, हम लोग शूट करके यहाँ से फारिग हो गए हैं। गर्मी बहुत 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 ज्यादा गर्मी यार, इतनी ज्यादा गर्मी, पसीने से बुरा हाल है यार। यकीन मानो शूट करने गए थे, अपने ही शूट हो गया। खैर अब सारी रात सोए नहीं हुए, बस अब सोने की तैयारी करते हैं। कोई 2-3 घंटे सो जाएं तो ज़रा तबीयत सेट हो जाएगी। चक्कर वगैरह आ रहे हैं बस, तो अब तो बस मिलते हैं आपसे 1-2 घंटा सो के। 2 hours later. ईद मुबारक कह दिया इन सबको, झूठा ठीक है, आप भी बोलो ईद मुबारक। नहीं कहा, कोई नहीं कहा। चलो भाई मैंने कह दिया ईद मुबारक, और अब दोबारा से फिर से कोई शूट वगैरह होने लगा। शूट कर चस्के ना। ओए लगी वो कह रहे ने, आने आने ग्रीन सूट वाले नु भरना है। ये क्या है, सांप आ गया, सांप केंजे गुड हो गया। अच्छा जी, हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था गुलरेज को, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर। घर जाके तो अभी ईदी शीदी भी लेनी है, उसके बाद फिर ब्लॉग एंड करेंगे। अब आपको मिलेंगे हम रात को, ओके इंशाल्लाह, डन। चलो मैं घर आ चुका हूँ और जो है अब वक्त हो गया है ईदी मिलने का, और ईदी मिलने लगी है और अब देखते हैं कितनी ईदी मिलती है इस दफ़ा। तो अबू जान अभी आते हैं और फिर ईदी लेते हैं उनसे। हाँ जी, तो दें ईदी कितनी, 1000 रुपया बहुत है। नहीं 1000 रुपया, 2 3 4 5000 रुपया ईद अपने प्यारे बेटे बिलाल को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये जी ईदी मिल गया फाइनली, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड। ईदी मिल चुकी है और बहुत बहुत शुक्रिया पापा का,
और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।